हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे ख्याल से तो अभी बहुत ही सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5 के आसपास का। और आप सभी को आज शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं सुबह 4 बजे हर साल की तरह मंदिर गई। वहाँ सबसे पहला हर साल की तरह बाबा के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ के, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से सबसे पहला जल चढ़ाया, हार फूल चढ़ाए और फिर उसके बाद यहाँ मैं वीडियो बनाने बैठ गई। आप लोगों के बहुत सारे सवाल कल के वीडियो के बेस पे आए थे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ज़रूरी है ये एक Q&A का वीडियो और कुछ खास टिप्स। तो सबसे पहले तो कल जिन लोगों ने मेरी कल के वीडियो पे अपने इंटेंशंस डाले थे, लगभग 800 लोगों ने इंटेंशंस डाले थे, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि बाबा विश्वनाथ का ठप्पा लग जाए और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा या अपने इंटेंशंस नहीं डाले, कल के वीडियो में जाइए या इस वीडियो में अपने इंटेंशंस डालिए जो कल के वीडियो में मैंने बताए थे, और बस आप लोगों की भी मनोकामना पूरी हो, बाबा विश्वनाथ का, बाबा भोलेनाथ का ठप्पा लग जाए। ये दिल से मेरी दुआ है। तो इस शिवरात्रि में मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि सभी का यूनियन हो, सभी शिव शक्ति एक हो जाएं और आपकी ये शिवरात्रि बहुत अच्छी मने, बहुत अच्छी संपूर्ण हो। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ जो आप लोगों ने बार बार मुझे मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस जो लिखे हैं उनका आंसर देने के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हमारे घर में इतनी जगह नहीं है और क्या पता घर वाले हमें अलाउ नहीं करेंगे पूरी रात जागने के लिए। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप 2 घंटा भी जागते हो तो भी काफ़ी है, ठीक है। अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है कि आप नहीं जाग सकते हो या घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो 10 बजे से 12 बजे तक या 11 बजे से 12-12:30 बजे तक आप जागिए। और जो भी मैंने कल आपको बताए थे कल के वीडियो में कि ये सब मेडिटेशंस करने हैं वो बिल्कुल करिए, और उसमें कम से कम आधे घंटे ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर ऐड कीजिए, ठीक है। तो जिनके घर में आप पूरी रात नहीं जाग सकते, आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाबा का आशीर्वाद फिर भी आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे आया था कि किसी को अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या हम रात में जाग सकते हैं? आप बिल्कुल जाग सकते हैं। आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल रहकर, अगर आप कंफर्टेबल रहकर जाग सकते हैं तो बिल्कुल जागिए। इस जागरण का आपके पीरियड से, आपके धर्म से, आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस जो काल में, इस रात्रि में जो ऊर्जा उठती है वो तो उठनी ही है। आप मनुष्य हैं, उस ऊर्जा को उठना है। आप किसी भी जाति को हो, जाति के हो, कुछ भी आपके संग चीज़ें हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ जागना ही क्यों रहता है। सीधी सी बात है कि इस रात्रि की कुछ ऐसी ऊर्जा होती है कि ये नीचे से ऊपर उठती है, और अगर आप सोएंगे तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत कर सकती है। तो आपको इट इज़ असेंशियल फॉर यू टू योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। तो आपकी जो स्पाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। कि सपोज़ कि अगर आप इनर वर्क नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे भी हो, तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, बस मेन चीज़ ये है। तो इसलिए कहा जाता है कि जागो, मेडिटेशन करो, उस ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, भजन कीर्तन करके, इनर वर्क करके, है ना। लेकिन हाँ, इसमें आप कितनी भी देर जाग रहे हो या नहीं जाग रहे हो, मिनिमम आधा घंटा आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना ही करना है। और किस प्रकार से करना है? ओम, जब आप इनहेल करेंगे तो ओम बोलेंगे, और जब उसके बाद आप शिव ओम नमः शिवाय बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप नाभि से इनहेल करते हैं ओम,
फिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आप करीबन मिनिमम आधे घंटे करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मरकाबा को लेके। यस, मरकाबा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जर्नी और ये यात्रा और ये जो रात्रि, ये शिव शक्ति की है, पुरुष और प्रकृति की है, आपके अंदर के मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की है, और आप फेमिनिन और आपकी मैस्कुलिन की है। ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की है, ये कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की है, समझ रहे हैं। तो डेफिनेटली मरकाबा करना बहुत ज़रूरी है। आप मरकाबा अगर आज से शुरू करते हैं और साल भर करते हैं, तो आप लिख लीजिए कि अगली शिवरात्रि तक आपका मरकाबा फॉर्मेशन भी हो जाएगा, आपके अपर टेट्राहीड्रन लोअर टेट्राहीड्रन बैलेंस भी हो जाएंगे, मतलब आपका कंप्लीट मरकाबा फॉर्मेशन हो जाएगा। बट ये अगर आज सुबह, मतलब जिस टाइम पे मैं अभी आप वीडियो बना रही हूँ, आपको आज सवेरे करना है, आज से शुरुआत करनी है, या आप दोपहर तक भी कर सकते हैं, बट रात्रि में मरकाबा नहीं करेंगे। इसी से याद आया, कल मैंने शॉर्ट में भी बोला था, कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लीन मंत्र का अजपा जाप नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी बेयर नहीं कर सकती और आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वैसे ही इस रात्रि की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहती है। इसमें हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र का अजपा जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई हल्के जो भी आपके गुरु के दिए मंत्र हो उसका जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर क्रीम क्लीम इस टाइप के मंत्रों का जाप कृपया ना करें। थोड़ी देर एकाध माला आप बोल सकते हैं अगर आपकी आस्था है तो, क्योंकि और कोई भी कुंडलिनी क्रिया, कुंडलिनी योगा, ऐसा कोई भी काम आज रात्रि ना करें। ये तो अपने आप ही ऊर्जा उठनी है, ठीक है। आपको सिर्फ जाग के उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपस में आप लोग फ्रेंड्स हो, तो कोई ग्रुप में, क्योंकि जागने के लिए ग्रुप में बैठे हैं, ऐसा ना करिए। आप जहां अपनी ऊर्जा को उठा रहे हैं, योर ऊर्जा हो सकती है कि आपस में ऊर्जा फ्लो होए, ऊर्जा ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, यू नो। तो आप एक तरफ उठा रहे हैं और एक तरफ अपनी ऊर्जा को फ्लो भी कर रहे हैं। ये साधना आपकी है, आपको एकांत में साधना करना है, आपको मनन करना है, आपको अपने ईश्वर को अपने अंदर महसूस करना है, आपको अपने अंदर के विकार दूर करना है। अगर हम यहाँ भी कोई कोडिपेंडेंसी रखेंगे या साथ ढूंढेंगे, तो आप अपने अंदर की जो चीज़ें एनालाइज होनी है, बाहर निकलनी है, जो विकार निकलना है, आप उसको ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। ये रात्रि आपकी अपने अंदर जाने की है, खुद में मनन करने की है, अपने विकारों को ढूंढिए, उसको रिलीज़ कीजिए। जो कल के वीडियो में मैंने बातें, तीन बातें बताई थी, उन पे मनन कीजिए, संकल्प लीजिए, ठीक है। और अपने इस रात्रि को सिर्फ अपने लिए, जितनी ज़्यादा आप ऊर्जा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसको आपको इकट्ठा करनी है, आपको उसको फ्लो नहीं करनी है, बांटनी नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब लास्ट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग जो मैंने कल बताया था, क्योंकि बहुत से लोगों ने कल का वीडियो देखा नहीं, तो वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या इनर वर्क करना है। तो इनर वर्क में आप सबसे पहले तो महामृत्युंजय मंत्र 15 मिनट सुनिए या 1 घंटा सुनिए, जैसा भी है। आप ओम नमः शिवाय सुन सकते हैं, भजन कीर्तन सुनकर पूरी रात को बिता सकते हैं। लेकिन इनर वर्क आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैजिकल रीयूनियन मेडिटेशन है, मैं वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये शिव शक्ति का दिन है और उसमें मैंने आपके डीएम की हार्ट चक्रा ओपनिंग एंड क्लीनिंग करी है, तो इट इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट मैजिकल रीयूनियन मेडिटेशन सेशन। देन उसके बाद टेलीपैथी, जिसमें कि आप अपने कनेक्ट होते हो आज के दिन शिव शक्ति, DMDF बैलेंसिंग, मीट योर ट्विन, ये करना ही करना है आपको इस रात्रि में। और साइलेंट मेडिटेशन, जितना ज़्यादा आप साइलेंट मेडिटेशन करेंगे उसके बाद, कि जितना आपने अभी इतने सारे मेडिटेशन कर लिए, उसके बाद आप उस ऊर्जा को अपने अंदर साइलेंट मेडिटेशन करके एब्जॉर्ब करेंगे। जिन लोगों ने कर्मा DNA एनर्जी क्लियरिंग करी है, वो भी आप, अगर किस टाइम है आपको अच्छा लग रहा है, आप जाग रहे हो, तो बिल्कुल उन सबको भी शामिल कर लीजिए, ठीक है। और इन केस लास्ट में वार्निंग, क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगी जब आप लोग जग रहे होंगे, किसी को भी एक झटके लगते हैं
रात में जगने में, या ऐसा लगता है कि बहुत तेज चक्र आप घूम रहा है, अपना इनर वर्क स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। घर पे बेयर फुट चलिए, गर्म पानी में पैर डाल के, नमक डाल के बैठिए, उस जो एक्स्ट्रा ऊर्जा अगर जनरेट हो गई उसको रिलीज़ कीजिए, बट बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो आई बिलीव मैंने आप लोग के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं, और साथ ही साथ सुबह मंदिर जाना ना भूलिए, बिल्कुल मंदिर जाइए, शिवलिंग की पूजा आराधना कीजिए, मैं तो करके आ चुकी हूँ, और चाहे तो दिन भर व्रत भी कीजिए, दिन में थोड़ा सा सो लीजिए जिससे कि रात में आप जग सकें। सो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को ढेर सारी शिवरात्रि की शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये शिवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ हो, पूरे चैनल के लोगों के लिए शुभ हो, और बिल्कुल आप लोग अपने इंटेंशंस इस वीडियो के नीचे भी लिख कर उसे कन्फर्म कर लीजिए, जो जो भी आपके इंटेंशंस हैं, जो जो आपकी दुआएँ हैं यहाँ पर लिखिए और उसे क्लेम कीजिए। और मैं वंस अगेन प्रार्थना करती हूँ कि बाबा विश्वनाथ, बाबा महाकाल आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय महाशिव शक्ति।